वेलकम बैक टू द चैनल यू आर विद शिवांगी रंजना। और अभी मैं और बर्फी, देखो इसमें बर्फी रेडी शेडी हो गई है, अंदर बैठी हुई है। हम दोनों अभी बाहर जा रहे हैं, शाम का टाइम है, यूं ही थोड़ा वॉक करने और बाहर में वॉलीबॉल खेलने। और भी यहाँ पे बच्चे रहते ना इंडियन जो है, तो हम सब वो फोन कर रही थी आप आ जाओ नीचे वॉलीबॉल खेलेंगे, तो मैंने भी सोचा चलो खेल आती हूँ। वैसे भी अब यहाँ भी लॉकडाउन हो गया है, आपको बता दूँ कल से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 1 मंथ के लिए सब कुछ बंद हो चुका है, जितने भी मॉल शॉप हर कुछ बंद हो चुका है, तो बस ग्रोसरी का खुला हुआ और मेडिसिन का शॉप खुला हुआ, बाकी सब बंद है। मेडिकल स्टोर और ग्रोसरी के लिए ही आप जा सकते हो, वैसे यहाँ भी अब रूल्स एंड प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो चलो बाहर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। अपार्टमेंट के नीचे ही किड्स का पार्क है, मैंने बताया था, तो यहाँ पर देखो और भी बच्चे लोग खेल रहे हैं और बर्फी को सब ध्यान से देख रहे हैं। दिखाती हूँ मैं, देखो इधर और भी बच्चे लोग मम्मा के साथ सब घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ यहीं पर सामने में, यहाँ पर मैं बर्फी के साथ आगे बढ़ते हुए ये देखो बर्फी को लाई हूँ, बिकॉज डॉग लोग भी वॉक करता है शाम को, तो पता चला बर्फी को ले भागा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी वैसे इधर उधर भी नहीं भागेगी ना, इसमें आराम से बैठ कर ये भी मज़े करेगी, देखेगी। और मैं भी तो इसमें मस्त बर्फी भी है, देखो अभी दिखाऊंगी आपको मैं। यहाँ पर बर्फी बैठ गई है इसका देखो, अब ये यहीं से नजारा लेगी और हम लोग खेलेंगे। अंधेरा होने लग गया गाइस, तो अब जाती हूँ घर, कल खेलूंगी अब फिर से। आ गई बाहर से मैं घर और बर्फी को भी अब निकाल देती हूँ, अंदर से बोल रही है ना बर्फी बाहर आना है, चलो आ जाओ। ये सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लेती हूँ, इसलिए वैसे मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में स्पेशली और मॉर्निंग में, तो मैं अभी कॉफ़ी यहाँ पर देखो मिक्सी कर रही हूँ, डालूना क्या क्या नाम बोलते हैं वो कॉफ़ी है। और इधर मैं मिल्क गर्म कर रही हूँ कॉफ़ी में डालने के लिए। यहाँ पर आज तो अपना बेइज्जती करा कर आ गई हूँ, इतने दिनों बाद खेलने गई थी। और ऊपर से कोई भी गेम होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, खेलते नहीं होते, तो अच्छे से नहीं खेल पाओगे। पता नहीं मैं कितने सालों बाद अभी गई खेलने, मार ही नहीं पा रही थी, मारने ऊपर से हाथ में भी चोट लग गया बहुत तेज तेज। अच्छा बेइज्जती करा कर आई हूँ कोई नहीं इट्स ओके, बट बहुत मज़ा आया। मैं कॉफ़ी मिक्स करते करते आपसे बात भी कर रही हूँ। यहाँ पर तो कोविड का ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा केस बढ़ते जा रहा है और रेड जोन में आ गया है। मे बी हम लोग भी जल्दी इंडिया वापस जाए, और वैसे इंडिया का भी उतना ही बुरा हाल है, वहाँ से भी यहाँ आने में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल है। तो मेरी मम्मी से आज बात हुई, तो मम्मी कहती है कि आज क्या डेली होती है, आज बोल रही थी क्या कि केस वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं रेड जोन में, जो भी जैसे तुम बता रही हो, तो बाहर ज़्यादा मत जाना, आराम से घर के अंदर ही रहना। तो मैं बोली अकेले ही तो और कितना बोर होती रहूंगी, नहीं जाऊंगी, तो कहती है कोई नहीं बिल्ली के साथ खेलना जो तुम बर्फी के साथ ही खेलना, तुम दोनों ही बाहर मत जाना, ऐसे बोल रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वैसे भी तो मैं इसके साथ इंटरटेन कर ही लेती हूँ, बर्फी है ही क्यूट सी, और वैसे बैठ के मैं बोल रही हूँ और मुझे देख रही है, देखो वहां से वहां दिख रही है आपको। लोगों को कौन कौन सा गेम खेलना पसंद है बताना, मुझे तो बैडमिंटन खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है और बचपन से ही मैं बैडमिंटन बहुत खेलती थी, इवनिंग को तो स्पेशली खेलती थी। सभी जो भी पड़ोस में जो भी हमारे साथ वाले थे, सब हम आकर घर के सामने एक छोटा सा फील्ड था उसमें खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। और अभी भी मेरे पास बैडमिंटन, आज मैं ढूंढ रही थी मुझे मिला नहीं, क्योंकि जब मैंने फ्लैट शिफ्ट किया था तो पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे मिल नहीं रहा, ढूंढूंगी अच्छे से और कल में भी मैं खेलूँ, नहीं तो अच्छा मौसम रहा तो कल, नहीं तो फिर जब भी खेलूंगी तो दिखाऊंगी हो सके तो। और मुझे मज़ा आता है बैडमिंटन खेलने में ही। आप लोगों में से किस किस को बैडमिंटन खेलना पसंद है बताना, और भी कौन कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो। और हाँ, क्रिकेट का बॉल देखकर ही मुझे इतना डर लगता है, मैं दूर ही भाग जाती हूँ। देखना अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन पास में अगर कोई खेल रहा हो तो मैं बहुत दूर भाग जाऊंगी, मुझे उसके बॉल से ही डर लगता है। कोई भी बॉल अगर उधर से मारा बैट से तो मेरे पास ही आकर ना मुझे लग जाए, ये मेरा गलत फहमी है और मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे पता है फिर भी लगता है चोट लग जाएगी, मुझे लग जाएगी, मैं दूर दूर से ही देखती हूँ। और बॉल से मुझे, और चाहे और भी कोई भी बॉल हो फिर भी मुझे डर लगता है, बट क्रिकेट वाले से तो पूछो मत, उस बॉल से मुझे ज़्यादा डर लगता है।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और आप लोग में से जो भी मुझे नहीं जानते हो तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है शिवांगी रंजना, मैं मेडिकल फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हूं, मैं यूक्रेन में रहती हूं, यूक्रेन के खार्किव सिटी में मैं रहती हूं और वीएन कराजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूं। यहां का गवर्नमेंट कॉलेज है, 1804 का ये यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी आप में से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, और जो न्यू विजिटर्स हो आपने मेरा व्लॉग देखा तो मैंने इंट्रो दिया और आप भी कर लेना, वीडियो अच्छी अच्छी आपको यहाँ के बारे में देखने को मिलेगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी आपको यहाँ का मिलेगा। और फिर मिलूंगी मैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू सून।